न्यूक्लियर वॉर के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन न्यूक्लियर विंटर के बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हम न्यूक्लियर विंटर के विषय में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, अनरिवील्ड फाइल्स चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले न्यूक्लियर विंटर क्या होता है? दोस्तों, न्यूक्लियर विंटर एक गंभीर और लंबे समय तक रहने वाला वर्ल्ड क्लाइमेट कूलिंग इफेक्ट होता है, जो कि परमाणु युद्ध के बाद बड़े पैमाने पर आग के धुएं के कारण बनता है। इस स्थिति के दौरान सूर्य के प्रकाश धुएं के विशाल बादल के कारण पृथ्वी के सतह तक आने में असमर्थ होता है, जिसके कारण पृथ्वी के सतह पर तापमान असाधारण रूप से कम होने लगता है और पृथ्वी पर जीवन एक भयानक संकट से घिर सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा जापान पर गिराए गए परमाणु बम से लगभग 1,29,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, जो कि इतिहास में एक युद्ध के लिए परमाणु हथियारों का एकमात्र उपयोग था। द्वितीय विश्व युद्ध और 1947 से 1991 तक चली कोल्ड वॉर के दौरान परमाणु हथियारों से होने वाले परिणाम केवल विस्फोट से होने वाली तबाही और रेडिएशन तक सीमित था, लेकिन आधुनिक युग में परिणाम इससे भी भयानक हो सकते हैं। 1983 में वैज्ञानिकों द्वारा न्यूक्लियर विंटर के कंप्यूटर मॉडल और कंप्यूटर ग्राफिक्स द्वारा परमाणु युद्ध के बाद की स्थिति पर शोध किया गया, जिसमें पाया गया कि परमाणु युद्ध वास्तव में एक दुर्लभ और भयानक स्थिति उत्पन्न कर सकता है और पृथ्वी पर जीवन को लगभग समाप्त करने की क्षमता रखता है। न्यूक्लियर विंटर के कंप्यूटर मॉडल और वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार अगर परमाणु युद्ध वैश्विक पैमाने पर हुआ तो इससे सबसे पहले ब्लास्ट के आसपास के करोड़ों लोग रेडिएशन और आग से तुरंत मारे जाएंगे। उसके बाद लगभग 10 करोड़ टन धुआं और राख वातावरण में घुल जाएगा। कुछ समय बाद लगभग 10 से 25% धुआं और राख एक भारी काला और एसिडिक बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगेगा। बाकी बचा राख और धुआं सूर्य के प्रकाश को 90% तक कम कर देगा, जिससे पृथ्वी के सतह पर औसत तापमान लगभग -25 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। पूरे एशिया और यूरोप में तो तापमान -30 डिग्री तक चला जाएगा। इतने कम तापमान होने के कारण फसल एवं कृषि व्यवस्था पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा, जिससे कई वर्षों तक ठीक नहीं किया जा सकेगा। फसलों के भारी कमी के कारण पृथ्वी पर बचे बाकी लोग भुखमरी के कारण मारे जाएंगे। यह भी अनुमान लगाया गया है कि इन सभी परिस्थितियों को सही होने में लगभग 20 साल का समय लग सकता है, या दुनिया को इससे भी अधिक खतरों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, परमाणु युद्ध होगा या नहीं यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन हमें इस प्रकार के मानव निर्मित आपदा से बचने के लिए अभी से तैयारी करने की आवश्यकता है। हालांकि हमारे देश भारत के पास एंटी मिसाइल तकनीक उपलब्ध है, जिसे हम भारत का रक्षा कवच भी कह सकते हैं। भारत के पास ऐसे दो रक्षा कवच हैं, पहला पृथ्वी एयर डिफेंस और दूसरा एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी मदद से भारत किसी भी परमाणु मिसाइल को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। अमेरिका, रूस और इजराइल के बाद भारत दुनिया का चौथा देश है जिसके पास इतना मजबूत रक्षा कवच उपलब्ध है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे नए वीडियो देख सकें सबसे पहले। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।